अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा खान और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम साइमा का बकरा। बकरा वर्ड सुनते ही आप समझ तो गए होंगे बात हो रही है बकरईद के हवाले से। बकरईद की आमद आमद है, यानी कि जैसे जैसे बकरईद करीब आ रही है वैसे वैसे शहर कायद यानी कि कराची में जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। छोटे बड़े खूबसूरत सेहतमंद जानवरों की आमद इस वक्त शहर कायद में जारी है और कराची हमेशा इस दौड़ में सबसे आगे रहा है। खूबसूरत सेहतमंद सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानवर लाए जाते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि एक हसीन और ज़बरदस्त सा जानवर अपने घर में लेकर आएं और कुर्बानी कर सकें, अहसन तरीके से कुर्बानी अदा कर सकें। इस वक्त भी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो वहाँ पर भी नायाब और ख़ूबसूरत बल्कि सेहतमंद जानवर मौजूद हैं। उनको क्या खिलाया जाता है, उनकी देखभाल किस तरीके से की जाती है और स्पेशली उनके नाम क्या क्या हैं, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब जानेंगे हम लेकिन अंदर जाने के बाद। आइए हमारे साथ। इस वक्त मैं आफरीदी कैटल फार्म में मौजूद हूं और यहां पर आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत सेहतमंद जानवर मौजूद हैं। ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इनके खिलाने पिलाने पे भी खुसूसी तवज्जो रखी जाती है। वो तमाम चीज़ें खिलाई जाती हैं जिसकी वजह से ये खूबसूरत और नायाब भी हो जाते हैं और तंदुरुस्त, तो अपने आप देख ही सकते हैं कि कितने तंदुरुस्त हैं ये जानवर। इस वक्त हम यहाँ के ऑनर के पास आपको लिए चलते हैं, आफरीदी कैटल फार्म के ऑनर के पास आपको लिए चलते हैं। हम उनसे जानेंगे कि अपने जानवरों की देखभाल वो किस तरीके से करते हैं और पूरे साल इन पर कितनी तवज्जो मरकूज की जाती है जिसकी वजह से ये जानवर इतने हसीन नायाब और सेहतमंद नजर आते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लिए चलती हूँ अपने साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि कैटल फार्म के यानी कि आफरीदी कैटल फार्म के ऑनर के पास हम मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे इस कैटल फार्म के बारे में, इसकी इधर जो मौजूद हैं जानवर उनकी खसूसियात के बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपने, अल्लाह का करम है। आज हम फाइनली आपके कैटल फार्म में मौजूद हैं, आफरीदी कैटल फार्म में। मैं तो देख ही रही हूँ, कैमरे की आंख भी देख रही है, यहाँ पे बहुत ही हसीन हसीन जानवर हैं, नायाब नस्ल के जानवर हैं जिनका खासा ख्याल रखा जाता है। क्या कहेंगे आप अपने जानवरों के बारे में, इनकी खसूसियात के बारे में? बस हर नस्ल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर हैं और माशाल्लाह पूरे साल हम इनको पालते हैं और फिर इस महीने इनको डिस्प्ले करते हैं अपने सारे जानवरों को। तो कितने अरसे में एक जानवर आपका तैयार हो जाता है? जी, हर जानवर पे होता है कि कोई जानवर 2 साल भी पलता है, कोई जानवर 3 साल भी पलता है, कोई साल में भी तैयार हो जाते हैं, ये जानवर पे होता है डिपेंड। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस जानवर से करते हैं? हैं बहुत सारे हैं, हम तो हर किसी से ही मोहब्बत है हमें। जिसको बेचने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, अभी दिखाते हैं। चलें फिर आपको लिए चलते हैं हम शहीर आफरीदी के साथ कि ये कौन कौन से वो खास जानवर हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने पाले हैं और जिनको बेचने का इनका बिल्कुल दिल नहीं करता। तो आइए मेरे साथ। जी शहीर, तो आपने कहा था कि अब हमें सबसे पसंदीदा और हैवी जानवर मंगवा के दिखाएंगे कि कौन सा आपका सबसे फेवरेट रहा है जो आपने बड़ी मोहब्बत से पाला है और वो वजन में भी सबसे ज्यादा है, तो शुरू करें? जरूर जरूर। तो बस फिर मंगवाएं? जी मंगवाते हैं। आ जाओ बादल। फेवरेट जानवर यानी कि बादल जिनका नाम है वो आ रहे हैं और बादल वाकई बादलों के सर पे सवार होके ऐसा लग रहा है आ रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं बादल, और इनको रोके वरना बादल मुझे कुचल देंगे। जी भाई, हम इस वक्त शहीर के फेवरेट जानवर यानी कि बादल के पास हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बादल को देखकर अंदाजा हो रहा है बड़ी मोहब्बत से पले हैं ये और वाकई शहीर के फेवरेट। जी जी, किस तरीके से पाला है कुछ बताएं इनके बारे में भाई। इसको छोटा सा लाए थे हम, ये जब 2 साल था जब से पाला है इसको, 2 साल हो गए मेरे पास इसको। अच्छा, मैक्सिमम मतलब 2 साल में एक जानवर इतना बड़ा हो सकता है? नहीं, जानवर पे डिपेंड भी होता है कि कोई जानवर ज़्यादा भी टाइम लेता है, कोई जानवर कम टाइम में भी तैयार हो जाता है। सही, तो इनकी ब्रीड क्या रखी जाती है शुरू से? ये इसकी ब्रीड है, ये चोलिस्तानी ब्राह्मण नस्ल है इसकी। चोलिस्तानी ब्राह्मण नस्ल है। कितने अरसे में ये कम्प्लीट तैयार हो जाता है कि आप बकरईद पे इसको सेल आउट कर सकें? समझिए 24 महीने में 2 दांत हो जाता है, उसके बाद ये कुर्बानी के तैयार हो जाता है, लेकिन इस वेट पे आने के लिए इसको 6 दांत हो गए हैं अभी। अच्छा, इसका वजन क्या है ये तो बताएं? ये अभी लाइव वेट में 60 मन क्रॉस कर गए है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वाकई बड़ा खूबसूरत जानवर है बादल और वाकई हसीन और मासूम सा जानवर है। वैसे मुझे हाथ लगाते हुए बड़ा खौफ आ रहा है लेकिन मैं डरते डरते छू ही लूंगी इसे। अब हम नेक्स्ट एनिमल की जानिब जाएंगे कि कौन सा इनका पसंदीदा एनिमल है जो आ रहा है और ये बादल मेरी तरफ बड़े प्यार से हो रहे हैं। अच्छा शहीर, अब हम नेक्स्ट कौन सा जानवर?
जी अब आ रहा है किंग कॉन्ग हमारा। वाओ किंग कॉन्ग, नाम देखे कितने मजे मजे के रखे हुए, बादल किंग कॉन्ग। तो जनाब किंग कॉन्ग आ चुका है, तो देखें किंग कॉन्ग भाई मुझे कुछ मत कहिएगा शहीर, अब इनके बारे में बताएं कि इनकी ब्रीड पे क्या क्या मतलब क्या इनकी खुराक होती है। जी इसके अभी ऐसा ही है कि ये सुबह में इसको भी दूध दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जानवरों को सुबह में इनका मिल्किंग होती है, बाकी इस टाइम जो मौसम चल रहा है इस टाइम गर्मी का, इस टाइम इनको दही दी जाती है जिससे इनका पेट ठंडा रहता है, दही और सरसों का तेल दी। अच्छा शहीर किंग कॉन्ग का वजन तो बताएं। जी ये भी 45 मन क्रॉस है इसका, लाइफ ऑलमोस्ट करीब है बादल। जी ऐसा ही है बिल्कुल। इसको शहीर आजाद नहीं छोड़ने क्योंकि ये कहीं और ही निकल जाएगा। असल में ये आपस में कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं। अच्छा, हम पे तो नहीं है ना गुस्सा? नहीं, नहीं, हमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपस में लड़ जाते हैं कभी कभी। आजी आ जाओ डोलू। चले जी डोलू आ गए हैं, आप देखें डोलू भागते हुए आ रहे हैं, और प्लीज मेरी तरफ लेकर मत आना इसको, समीर हटो यहाँ से। अच्छा शहीर इससे ये क्या खुराक लेता है? समझे इनकी खुराक सबकी सेम है, कि ये ब्रीड में ये भी ब्राह्मण नस्ल में है, प्योर ब्राह्मण नस्ल है इसकी भी, और ये भी सुबह दूध पीता है, और ऐसे ही इनको सबको कवर किया जाता है, इनको मौसम से हर चीज़ से कवर किया जाता है। ठीक है, और इसका वज़न क्या है? इसका वज़न 30 मन क्रॉस है, 30 मन। माशाल्लाह 31 क्रॉस है इसका वज़न, और इसके क्या प्राइस रखे हैं? इसके हमने 32 लाख। ज़्यादा नहीं है, उनसे तो कम है ना किंग कॉन्ग और बादल से, बस ठीक है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। वाओ माशाल्लाह, ये आ रहे हैं भागते हुए टाइगर, और ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हसीन जानवर है टाइगर। अच्छा शहीर इनकी क्या ब्रीड है? ये साइमेंटॉल ब्राह्मण है, साइमेंटॉल ब्रीड होती है इंपोर्टेड, उसमें ब्राह्मण नस्ल में है ये। सही, सही। तो इनको तो खुराक वही सेम खिलाई जाती होगी, तो पूछना फजूल है, इनकी दूध दही होती होगी। तो ये बताएं कितने वजन, इसका वजन क्या है? इसका भी 35 मन के करीब वजन है लाइव वेट में। और इसके प्राइस क्या रखे हैं आपने? इसके प्राइस है 32, इसके भी 32 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। सही हो गया, बबलू आ रहा है अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, बबलू आ रहा है। आह चाल देखिए आप, खाली उसकी चाल मुलाहिजा कीजिए, और बड़ा हसीन सा वाइट कलर है इसका, सफेद और कुछ कुछ। आह जब ये भागता हुआ आता है तो बड़ा ही हसीन लगता है। जी ये हमारे फार्म का बबलू है, बबलू है, बहुत क्यूट नाम है, लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा है। तो इसकी ब्रीड क्या है? जी ये चोलिस्तानी ब्रीड है इसकी। ज्यादातर आपके पास चोलिस्तानी ब्रीड है? जी चोलिस्तानी भी है, साहिवाल भी है, सारे मिक्स है हमारे पास हर ब्रीड में इंशाल्लाह। और इसका वजन क्या है? इसका भी 28 मन के करीब लाइव वेट है। और इसके कितने दांत का है ये? ये अभी दांत 6 दांत हो गया है। अच्छा कितने दांत वाला सबसे छोटा और कितने दांत वाला सबसे बड़ा होता है? 2 दांत में समझे बच्चा होता है, फिर 4 दांत में समझे थोड़ा सा जवान होता है, फिर समझे 6 दांत में असल जवान हो जाता है। लोग क्या प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, कितने दांत का होना चाहिए? लोग यही कि 2, 4, 6 दांत भी करते हैं, क्योंकि 6 दांत के बाद तो ये अपना साइज बनाने लगते हैं जानवर ना, 6 दांत के बाद ये पलते हैं। सही, सही। तो बड़ा खूबसूरत सा है बबलू, नाम की तरह प्यारा है बबलू, और वाकई इसकी स्किन कलर आप देखें कितना हसीन है इसका स्किन कलर भी, और क्यूट है, शहीर से बहुत हिला हुआ है ये। तो बस जी फिर शहीर दूसरे जानवर की तरफ चले। अच्छा ये किस तरह जाते हैं? वाह इनकी चाल ही आप खाली देखिए, खूबसूरत अंदाज में बबलू बड़े स्टाइल से चलते हुए गए हैं भाई, नो रनिंग, कोई भाग दौड़ नहीं है, आराम से अपनी जगह पर गए हैं। वाओ 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 वाओ, जिस तरह ये भागता हुआ आ रहा है रेड किंग, स्टॉप रुक जाइए रेड किंग। अच्छा इसका क्या कितना वजन है इसका? ये भी 35 मन के करीब है इसका। और डिमांड क्या है आप? इसकी डिमांड 36 लाख रुपए कर रहे हैं। नीचे आते जा रहे हैं, लोअर 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 आते जा रहे हैं। लेकिन मैं आवाम के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो इतने प्यारे प्यारे जानवर देख के ना सिर्फ मैं खुश हो रही हूँ बल्कि आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्यों शहीद? जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये पुरवकार चाल के साथ जा रहे हैं वापस। बोले आ जाओ। तो बस जी भोला, इतना भोला नहीं है ये वैसे, नहीं बहुत क्यूट है भोला, वाकई क्यूट है ये, माशाल्लाह से गोल मटोल सा एकदम से। इसकी ब्रीड क्या है? ये भी चोलिस्तानी गुलाबी कलर में है। सही सही, वाकई इसमें आप देखिए वाइट नहीं है, ये पिंकिश का कुछ कॉम्बिनेशन है इसके साथ। अच्छा कितने दांत का है? ये 4 दांत है। 4 दांत का है। और इसका वजन क्या है? इसका वजन 25 मन से ऊपर है। और डिमांड क्या है आपकी? इसके 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए डिमांड है, और बड़ा प्यारा सा ये है भोला, और वाकई भोला है। तो चलें जी इसको अलविदा करते हैं। ये ब्लू आईज में है। ओह माय गॉड सो क्यूट, कलर्ड आईज है इसकी माशाल्लाह। अच्छा टक्कर पे है मेरी आईज, चेक करें।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम सही। इनके प्राइस भी बताते जाएं जनरली कितने, क्या प्राइस है इन सबके? ये बच्चियाँ हैं, इनके 8.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं हम एक की सिंगल की, दो दो दांत में है ये। तो ये सब भी बिक चुकी हैं? नहीं, ये अभी सेल पे हैं सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हर नस्ल की है, इनकी ब्रीड क्या है? ये कोई इसमें गुलाबी है, कोई इसमें कजली भी है, चोलिस्तानी भी है, सहवाल भी है, सारी मिक्स है। सही सही। तो कोई खास इसमें से है या सब मतलब? अच्छा, मैंने देखा है वहाँ पे वो पिंक जो जिसका कलर है वो गुलाबी कहलाती है? जी, गुलाबी कलर कहलाता है। सही सही। तो इनमें से कितनी सेल आउट हो चुकी हैं या होंगी अभी? जो सेल होते जाते हैं वो फिर हमारे बैक साइड पे जाते रहते हैं, ये सोल्ड जो सेल पे हैं वो सारे हम डिस्प्ले पे लगाए हुए। अच्छा, यहाँ से आप लोग मूव कर देते हैं जो आपके सेल हो जाते हैं? जी, ऐसा है कि दूसरी जगह पे उनको कर देते हैं शिफ्ट। इनमें और कुछ खासियत है तो वो भी हमें बताते जाइए। जी, ये सारे माशाल्लाह टॉप से टॉप एक से एक बंदे में, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। अच्छा, तो इनकी खुराक क्या रखी जाती है नॉर्मली? खुराक इन सबकी सेम है, सबको अच्छे से अच्छा खिलाया जाता है यहाँ पे। मुझे लगा वो वाले आपके फेवरेट थे तो उनको खास खुराक दी जाती है। जी, ये होता है क्वांटिटी में फर्क होता है लेकिन खिलाया सबको सेम ही जाता है। सही, सही। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप इनको बचाते हैं? गर्मी या कहीं ज्यादा मट्टी ना हो या फर्श पे ना चलाएं, कुछ ऐसी चीज का ख्याल रखते हैं आप लोग? ऐसा होता है कि हर सीजन के हिसाब से फिर इनको संभाला जाता है, गर्मी से बचाया जाता है, सर्दियों से भी बचाया जाता है, इनको हर मौसम से बचाया जाता है। अच्छा, अभी बारिशों का मौसम है जैसा कि आप जानते हैं, तो बारिश में किस तरीके से इनको सेव करेंगे आप? जी, बारिशों का मौसम है, इस टाइम बीमारी भी ज्यादा आती है जानवरों में। ये है कि फिर इनको हम गुड़ अजवाइन के लड्डू भी दिए जाते हैं इनको कि अंदर से गर्म रहें, ये बीमारी से बचे रहें। कोई खास इंजेक्शन वगैरह इनको लगाया जाता है? नहीं, इंजेक्शन नहीं दिया जाता इनको, देसी चीजों से ज्यादा हम करते हैं कि देसी रहें तो अच्छा है, इंजेक्शन ज्यादा नहीं देते हम जानवर। तो इनका वही सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का सब ख्याल रखा जाता है? जी, ऐसा है। प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट जानवर दिखाइए। अच्छा जी शहीर, अब अपने हमने बहुत हाई बजट वाले तो आपके देखे, बहुत ज़्यादा 52 के और 45 के जानवर देखे, अब हमें कुछ लो बजट वाले कम प्राइस वाले एनिमल्स भी दिखाइए, वो कहाँ हैं? जी, आ जाएं, आपको लेके चलते हैं। चलें जी, आइए शहीर के साथ हम चलते हैं और देखते हैं कम प्राइस वाले कौन से एनिमल हैं। तो आइए हमारे साथ, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़रा लो बजट वाले यानी कि कम प्राइस वाले एनिमल्स की जानिब। शहीर ने हमें कहा था कि वो भी दिखाएंगे, तो शहीर हमें दिखाइए। जी, आ जाएं, ये नॉर्मल रेंज के जानवर हैं। सही, तो इनके क्या प्राइस है नॉर्मली? इनमें कोई 4.5 लाख रुपए का भी है, 5.5 का भी है, 3 लाख रुपए का भी है। तो इनकी कोई खास ब्रीड होती है? जी, ये भी मिक्स है, साहिवाल में भी है, चोलिस्तानी भी है, इसमें भी मिक्स है। तो इनकी केयर उसी तरीके से की जाती है जितने आपके वो वाले जानवर के थे? जी, केयर सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो लाख का हो या 50 लाख का हो, सबको एक जैसे ही देखा जाता है जानवर। इनमें कितने कितने दांत के जानवर हैं? ये सब दो दो दांत हैं। अच्छा, इनमें कोई खासियत मतलब ऐसी कि इनको इंजेक्ट किया जाता है या कोई खास चीज का ख्याल रखा जाता है इनका? भाई, इनको इंजेक्शन नहीं दिया जाता, इनका भी समझे वैसे ही ख्याल रखा जाता है हर चीज का। अच्छा शहीर, मैंने सुना है आपके पास कोई शरारती सा कैमल भी है? जी, वो मैंने छोटा बच्चा पाला है, आपको दिखाते हैं आज। चलें जी, आइए फिर इनका कैमल देखने चलते हैं, आइए। शहीर ने बिल्कुल सही कहा था, उनका एक शरारती सा कैमल यहाँ पर मौजूद है। शहीर, बहुत शरारती देखी इसकी हमने। जी, ये छोटा बच्चा पाला है मैंने, बिल्कुल छोटा लिया था बच्चा, फिर इसको बड़ा किया है। तो इसका नाम क्या रखा है आप? नाम भूल नहीं रखा है। नाम कुछ नहीं रखा, सबसे फेवरेट है, सबसे प्यारा है, नाम रखना भूल गए शहीर जी। तो इसके साथ रोज खेलते हैं आप? जी, इसके साथ रोज खेला जाता है। चले जी, शहीर का प्यारा सा क्यूट सा कैमल भी आपने देखा, तमाम तर जानवर भी आपने इस वक्त आफरीदी कैटल फॉर्म के देखे, नायाब नस्ल के जानवर जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़्यादा केयर की जाती है उनकी ब्रीड का भी, उनकी खुराक का भी, उनकी देखभाल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को कैटल फॉर्म से इजाज़त दीजिए, आफरीदी कैटल फॉर्म से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।